हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर साधारण ब्याज, जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन जितने भी पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा साधारण ब्याज के, सभी कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से समझाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो साधारण ब्याज होता है, जिसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो होता क्या है। मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखो, जो साधारण ब्याज होता है उसमें मिलने तीन चार शब्द होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको हिंदी में फ्रेंड्स हम बोलते हैं मूलधन। यहाँ पे लिख देता हूँ, मूलधन बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके फ्रेंड दूसरी चीज जो होती है इसमें, वो होती है रेट, जिसको कि फ्रेंड्स हम बोलते हैं दर, ठीक है। और तीसरी चीज होती है फ्रेंड्स इसमें हमारा टाइम, जिसको कि फ्रेंड्स हम हिंदी में समय बोलते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, ये मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज और भी होती है, साधारण ब्याज, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर होता है, ठीक है। साधारण ब्याज है, जिसको कि फ्रेंड्स हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये चारों शब्द जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, ये होता क्या है। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ उधार, ठीक है। 10,000 रुपये मैंने आपको उधार दिया है। फ्रेंड्स देखो, जो मैं 10 चीज़ मैं आपको उधार दे रहा हूँ ना, 10,000 रुपये, फ्रेंड्स ये हमारा मूलधन होता है, ठीक है, ये होता है मूलधन। और फ्रेंड्स मैं आपको 10,000 रुपये जो दूंगा, वो मैं फ्री में तो दूंगा नहीं आपको, अगर मैं इस पर क्या करूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस पर 10% ना इंटरेस्ट लगाऊंगा। फ्रेंड्स ये 10% जो मैंने इंटरेस्ट लगाया है आपके ऊपर, फ्रेंड्स यही हमारा होगा दर, मतलब मैंने कितने दर पे आपको जो 10,000 रुपये मूलधन दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको जो 10,000 रुपये दिया है, ये कुछ समय के लिए दूंगा आपको, ठीक है। मैंने आप ये मान लो कि मैंने आपको 2 साल के लिए दिया है। फ्रेंड्स ये जो 2 साल है ना फ्रेंड्स, ये मेरा समय है, मतलब आपको ये पता लग गया कि मूलधन क्या होता है, उसके ऊपर जो मैंने ब्याज लगाया वो दर होता है, और कितने समय के लिए दिया वो समय होता है। अब फ्रेंड्स देखो, ये जो मैंने आपको 10,000 रुपये दिया है 10% दर से या 2 साल के लिए, जब मैं 2 साल के बाद आपसे लूंगा, तो फ्रेंड्स ये 10,000 रुपये मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उस पर मैंने आपसे 10% का ब्याज भी लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो जो 10,000 से ऊपर जितना पैसा एक्स्ट्रा होगा ना फ्रेंड्स, वो मेरा साधारण ब्याज होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बस फ्रेंड इतना ही आपको समझने वाला था, और आपके सभी क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है ये, जितना मैंने आपको समझाया है। अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला सवाल करते हैं हम, और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है साधारण ब्याज की, और इसने हमें क्या कहा है कि पता करो कितने रुपए देने पड़ेंगे, मतलब हमें मूलधन पता करना है इसमें। तो इसमें हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, देखो इसमें हमें ₹150 ब्याज लेना है हमें, यानी कि हमें ब्याज दे रखा है कितना, ₹150। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो जो दे रखा है हमें सवाल में, हमें दे रखा है यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स जितना भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है इसमें, ₹150, मैंने यहाँ पे ₹150 लिख लिया, ठीक है। अब हमें दे रखा है समय, दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है फ्रेंड्स, समय हमें दे रखा है 6 महीने का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें दे रखा है समय, ठीक है। समय कितना दे रखा है हमें, 6 महीने। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, कभी भी हम जो चीज़ फाइंड करते हैं ना, कोई भी चीज़ हम अपना जो आंसर निकालेंगे, वो हमेशा साल के ऊपर निकालेंगे, मतलब महीने पे नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हमें 6 महीना दे रखा था, मैं क्या करूँगा, इस 6 महीने को बदल दूंगा किस में, साल में। तो देखो फ्रेंड, जब भी 6 महीने को जब साल में बदलना हो, तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब मैंने 6 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया फ्रेंड्स, ये आया 1/2 साल, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो 6 महीना कितना होता है, आधा साल ही होता है, तो वैसे मैंने यहाँ पे आधा साल ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने हमें दर दे रखा है, दर कितना दे रखा है, 4%, यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे इन्होंने हमें दर दे रखा है, कितना है, 4%, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था, बताओ कि हमें पूछा क्या गया फ्रेंड्स, हमसे मूलधन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मूलधन, जो कि फ्रेंड्स हम पी से भी लिखते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, ये हमें पता करना है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो मूलधन होगा, मूलधन की हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को मैं मान लेता हूँ पी, क्या माना मैंने, मूलधन को मैंने पी मान लिया। अब फ्रेंड देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है साधारण ब्याज में, क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ,
साधारण ब्याज में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। साधारण ब्याज पता करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है फ्रेंड्स मूलधन, यहाँ पे लिख देता हूँ मूलधन, जिसको कि फ्रेंड्स हम पी से भी लिखते हैं क्योंकि इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गुना दर, जो कि फ्रेंड्स हम रेट भी बोलते हैं और इसको हम आर से भी लिखते हैं, ठीक है, गुना समय, जो कि फ्रेंड्स हम टाइम भी बोलते हैं और इसको हम टी से लिखते हैं, ठीक है, बटे सो, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप ये देखो, साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला क्या निकाल लिया, पी मल्टीप्लाई पी गुना आर गुना टी बटे सो। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बटे सो पता कैसे आता है फॉर्मूले में, क्योंकि जो दर होता है ना फ्रेंड्स वो हमेशा प्रतिशत में होता है, पता होगा आपको दर तो हमेशा प्रतिशत में होता है, प्रतिशत को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे सो ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, देखो जो फॉर्मूला जो चीज़ हमें गिवन है ना, देखो फ्रेंड्स हमें क्या क्या गिवन है, हमें साधारण ब्याज दे रखा है, मैंने यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा कितना दे रखा है, देखो फ्रेंड्स यहाँ फॉर्मूला ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने आपको, यहाँ पे फ्रेंड्स देखो साधारण ब्याज में कितना दे रखा है मुझे, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, छोटा छोटा साधारण ब्याज में दे रखा है 150 रुपये, देखो ये दे रखा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मूलधन हमें पता करना है, पता करना है ना मूलधन हमें, तो मैं क्या करूँगा मूलधन मैंने यहाँ पे ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दर दे रखा है हमें प्रश्न में, कितना दे रखा है 4% दे रखा है, मैंने 4 यहाँ पे लिख लिया। समय कितना है यहाँ पे 1/2, फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 1 लिखा मैंने, 2 मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं 1/2 को ऊपर लिखूंगा 2 तो नीचे ही आएगा, ठीक है, और साथ में 100 आएगा। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो मुझे मूलधन निकालना है, ठीक है, तो मैं ये क्या करूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे जो 100 को जब 2 से गुना करूंगा कितना आएगा 200 आएगा, 200 को मैं 150 इस तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेरा मूलधन आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मूलधन जो आएगा वो कितना आएगा, जब मैं 200 को इस तरफ ले जाऊंगा कितना आएगा 150 गुना 200, ठीक है, बटे कितना आएगा फ्रेंड्स ये 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको काट सकता हूँ, काटूंगा कैसे 4 × 4 और फ्रेंड्स ये कितना जाएगा 50 से जाएगा, जब आप 150 को 50 से गुना करोगे फ्रेंड्स ये आएगा आपके पास 7500, मतलब फ्रेंड्स मेरा 7500 क्या आया मूलधन आया और ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है, और फ्रेंड्स मैं आपको ये क्वेश्चन ना एक और मेथड से करवाता हूँ, वो एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो आपको ये तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है, एग्जाम में आपका ये कम से कम 1 मिनट तो ले लेगा। अब जो मेथड मैं आपको करवाऊंगा अभी उसमें सिर्फ आपका 5 सेकंड लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने में, ठीक है, तो वो मेथड भी आपको करवा देता हूँ। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था, ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। फ्रेंड्स ये हमारा सवाल था, ठीक है, पिछले मेथड मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, अब मैं नया मेथड से करवाऊंगा। फ्रेंड्स ध्यान देना यहाँ पे हमें 4% ब्याज दर लग रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे 4% ब्याज दर लग रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 4% जो ब्याज दर लग रहा है ना फ्रेंड्स ये पूरे साल का लग रहा है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है 6 महीने की। तो फ्रेंड्स देखो अगर 4% दर जो है वो 1 साल का है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 6 महीने का कितना होगा फ्रेंड्स, 6 महीने का होगा 2%, यही होगा ना फ्रेंड्स 2% होगा ब्याज दर, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स 2% ब्याज दर लगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो कितना रुपए ब्याज मिला है हमें, मिला हमें 150 रुपए, 150 रुपए तो मिला है यहाँ पे क्वेश्चन में मैं गिवन है, मतलब मैंने 2% ब्याज से 150 रुपए मैंने ब्याज प्राप्त किया। अब फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान देना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मतलब जो हमारा मूलधन होता है ना फ्रेंड्स वो अपने आप में 100% होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आप ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, मतलब 100% होता है हर चीज अपने आप में, मूलधन भी 100% ही होगा, तो मुझे मूलधन निकालना है 100%, ठीक है, मतलब मूलधन क्या होता है 100%, तो फ्रेंड्स मेरा 2% है मेरे पास, अगर मुझे इसको 100% बनाना है, 100% बनाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, और हमें यही पूछा गया था सवाल में, ठीक है, तो 2% को 100% बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं गुना करूंगा 50 से, जब मैंने 2% को 50 से गुना किया 100% आ गया, लेकिन अगर मैंने 50 से गुना इस तरफ किया है तो मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो मैं 150 को 50 से गुना करूंगा, जब आप 150 को 50 से गुना करोगे फ्रेंड्स तो आपके पास आएगा 7500 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स 7500 रुपये आपके पास आया और आपका यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस फ्रेंड्स ये 2 लाइन में आपका आंसर मैंने खत्म कर दिया, कैसे निकाला मैंने, देखो 4% पूरे साल का था
छह महीने की बात हो रही है, यहाँ पे 2% हो गया, क्योंकि 4% 1 साल का है, तो 1 साल को अगर आप आधा करोगे तो 6 महीना ही होगा ना, तो यहाँ पे मैंने 2% निकाल लिया। 2% ब्याज लगा के मैंने 150 रुपये ब्याज प्राप्त कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अपने आप में मतलब पूरी होती है, तो मूलधन भी अपने आप में 100% होगा। तो 2% को मुझे 100% में बनाने के लिए मैंने क्या किया, 50 से गुना किया। अगर मैं 50 से गुना इस तरफ कर रहा हूँ तो 50 से गुना मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा। जब मैंने 150 को 50 से गुना किया कितना आया, 7500 आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और ये सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स। इससे आसान तरीका ना आप दिल्ली जाओगे ना कोचिंग करने, वहां पे भी नहीं समझाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। फिर देखो ध्यान देना इस सवाल पे, इस सवाल में हमें यह बताया गया है कि कोई राशि है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो मैंने वो क्या बताया था फ्रेंड्स, देखो जो हमारा साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। साधारण ब्याज जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 3-4 चीज़ें शब्द होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने आपको, मूलधन, ठीक है। क्या होता है मूलधन, जो कि फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम पी से लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है फ्रेंड्स यहाँ पे दर, दर को हम रेट भी बोलते हैं और इसको हम आर से लिखते हैं। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, समय होता है, जिसको कि हम टाइम भी बोलते हैं और इसको हम टी से लिखते हैं। और चौथी चीज़ क्या थी फ्रेंड्स, साधारण ब्याज थी, जिसको कि हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं और SI से लिखते हैं। एक शब्द फ्रेंड्स इसमें और भी आता है, उसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट को हम ए से लिखते हैं और इसको हिंदी में हम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम मिश्र, यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धन, ठीक है। मतलब अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन। फ्रेंड्स जो मिश्र धन पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारा मूलधन होता है ना, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा तो फ्रेंड्स वो हमारा हो जाता है मिश्र धन। क्या बताया मैंने आपको, जब आपके मूलधन में कुछ समय के बाद जब आपका ब्याज दर जाता है, ब्याज जुड़ जाता है, तो वो मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है मिश्रधन का, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पता लगी गया आपको, मैंने समझा ही दिया है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है कि जब आप मूलधन में साधारण ब्याज जो है, मतलब जो ब्याज है आपका, वो जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। बस फ्रेंड्स ये चीज़ समझने वाली थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा है कि कोई राशि ब्याज, साधारण ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 हो जाता है। मतलब कोई राशि है, मैं कहता हूँ कोई मेरा मूलधन है, ठीक है। ये जो मूलधन है ना फ्रेंड्स, ये 3 साल में, ठीक है, कितना हो जाता है, 7/6 हो जाता है मूलधन। मतलब ये मूलधन जो है 3 साल के बाद 7/6 हो जाता है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है और बोल रहा है कि हमें बताओ कितने, क्या दर लगा होगा उसके, मतलब कितने प्रतिशत दर लगा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों को आप, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो मूलधन तो मेरे पास दे नहीं रखा, ठीक है, नहीं दे रखा ना मूलधन। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो मूलधन है मेरा, यहाँ मूलधन मान रहा हूँ, क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ, ठीक है। फ्रेंड देखो मूलधन मैं यहाँ पे पी मानता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पी नहीं मानूंगा, यहाँ पे मैं मानूंगा 6P। 6P पता क्यों मानूंगा फ्रेंड्स, देखो क्योंकि ये 7/6 गुना हो रही है, ध्यान से सुनना, 7/6 गुना हो रही है किसके, मूलधन के। तो मूलधन में अगर 6P में मान रहा हूँ तो फ्रेंड्स ये 6 से 6 कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 7P आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पी मानता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे पी मानता हूँ, मैं 6P नहीं मानता, आप मुझे बोलते हो यार आप 6P क्यों मान रहे हो, आप पी मानो। अगर फ्रेंड्स मैं पी मानता हूँ ना अकेला, तो फ्रेंड्स ये चीज़ ना मेरे ना फ्रैक्शन में आ जाती है। देखो कह रहा है कि जो मूलधन का 7/6 हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये क्या आ रहा है मेरा, 7/6 आ रहा है, जो कि थोड़ा सा जब मैं सॉल्व करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरा, इसलिए फ्रेंड्स मैंने 6P माना था, ताकि फ्रेंड 6 से 6 कट जाए तो ऊपर 7P अकेला बचे, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स जी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको खुद पता लगती जाएंगी, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो इससे आसान तरीका नहीं होता सॉल्व करने का, और ये जो मैं अभी क्वेश्चन करवा दूंगा ना फ्रेंड्स आपको, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये क्वेश्चन ट्रिक से भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। मूलधन मैंने माना 6P, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स कह रहा है कि मूलधन 3 वर्ष के बाद 7/6 गुना हो जाती है, मतलब कि मूलधन क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धन बन जाता है, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ गया हुआ है। तो मिश्र धन कितना हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है मेरा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 7/6
गुना हो रहा है किसका, मूलधन का। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 6p माने का कितना फायदा हो गया, ये 6 से 6 कट गया तो कितना आया मिश्रधन मेरा, मिश्रधन आया मेरा 7p। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स मेरे पास मूलधन आ गया है, मिश्रधन आ गया है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनना, क्या मैं इसे यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, साधारण ब्याज यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ फ्रेंड्स, देखो ये यार ये क्या खुल गया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्याज लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं ब्याज को इस तरफ लेकर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ब्याज को इस तरफ लेकर आता हूँ तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन से घटेगा, यानी कि मेरा मूलधन कितना आया यहाँ पे, लिखो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा, अगर मुझे यहाँ पे ब्याज निकालना है, ब्याज मैं इस तरफ ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्याज निकालना है, तो कितना कितना आएगा ये जो आएगा मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही आएगा ना, एक मिनट में साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ। हमें फ्रेंड्स ब्याज निकालना है, ठीक है, ध्यान सुनना, मुझे ब्याज निकालना है, मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, तो ब्याज निकालनी है तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा देखो, ये फिर मिश्रधन ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन, क्योंकि मूलधन इस तरफ आएगा, है ना, तो क्या आएगा मूलधन, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साधारण ब्याज मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मिश्रधन यहाँ पे लिख देता हूँ, मिश्रधन, जिसको कि फ्रेंड्स हम अमाउंट भी बोलते हैं, इसको हम ए से लिखते हैं, माइनस मूलधन, जिसको कि फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं और पी से लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, मिश्रधन कितना था, 7p था, और मूलधन कितना था यहाँ पे, 6p था, मैंने यहाँ पे 6p लिख दिया, तो कितना आया फ्रेंड्स, ये साधारण ब्याज कितना आ गया, 7p में से 6p माइनस करो कितना आएगा, पी आएगा, मतलब 1p आएगा ना, तो मैंने सिंपली पी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास साधारण ब्याज भी आ गया, और मेरे पास समय दे रखा था सवाल में कितना, यहाँ पे मैं समय लिख देता हूँ, समय हमें कितना दे रखा था, 3 वर्ष दे रखा था, मैंने यहाँ पे 3 वर्ष लिख दिया, ठीक है, मेरे पास सब कुछ आ गया। मेरे पास फॉर्मूला पर आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज का, एक तो फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में बताया था क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मूलधन, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब ना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, जिसको कि हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, पी बोलते हैं, गुना दर, जो कि फ्रेंड्स हम रेट भी बोलते हैं, आर से लिखते हैं, और गुना टाइम, जो कि फ्रेंड्स हम समय भी बोलते हैं, और टी से लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है मेरे चैनल पे, ठीक है, बटे सो। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल अपना फॉर्मूला में फॉर्मूले भर देता हूँ, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स एक चीज़ समझना है यहाँ पे, साधारण ब्याज कितना था यहाँ पे, पी था, मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह। अब मूलधन कितना था यहाँ पे, मूलधन था मेरे पास 6p, मैंने यहाँ पे 6p लिख दिया। गुना दर, दर मुझे पता करना है यहाँ पे सवाल में, ठीक है, तो मैं दर को क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा ऐसे ही। गुना समय, समय कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, बटे 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो पी था ना, ये पी से पी कट गया, कट गया ना, तो अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे आर कितना आ गया, आर आ गया मेरे पास फ्रेंड, देखो ये आर कैसे आएगा, जब ये 100 इस तरफ जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, बटे कितना आया, बटे में आया 6, 3 कितना आ जाता है फ्रेंड, देखो अब यहाँ पे फ्रेंड देखो कुछ कट रहा है तो हम काट भी लेते हैं फ्रेंड, देखो 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 18 आएगा, मतलब मेरे पास कितना आ गया फ्रेंड्स, 100/18 आ गया, यानी 50/9, 50/9 को अब आगे सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 5.9% फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको मैं ये क्वेश्चन एक बार फिर से ट्रिक से समझा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व मतलब पता लग जाए, और ठीक है, और फ्रेंड्स ये मेथड भी बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। इसमें देखो मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाई है कि यहाँ पे एक नया शब्द आया था मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन के ऊपर ब्याज लग जाता है ना फ्रेंड्स, वो मिश्रधन बन जाता है, यानी कि वो अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मिश्रधन क्या था, मूलधन प्लस ब्याज, अगर मुझे ब्याज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मूलधन को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा है, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या आता है, ब्याज, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला भरा, ठीक है, और यहाँ से मैंने साधारण ब्याज निकाल लिया, ठीक है, फिर वैल्यू पुट करी, यहाँ पे कितना आ गया, आर आया 100/18, आगे काटूंगा 2 से तो 50 ऊपर आएगा, नीचे 9 आएगा, 50/9 आया, 50 जब 9 को मैं 50 से डिवाइड, जब 50 को
को डिवाइड करूंगा मैं 9 से, कितना आएगा 5, 5/9%, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया था कि बताओ ब्याज का वार्षिक दर कितना होगा, तो यह आया 5, 5/9%। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हम एक बार ट्रिक से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखो, सवाल में हमें कहा गया था कि कोई राशि है 3 वर्ष के बाद 7/6 हो रही है, यहाँ पे लिखते बताता हूँ 7/6 हो रही है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स, जब आप मैंने आपको प्रतिशत करवाया था, मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, ये हमेशा वास्तविक संख्या बताती है। क्या बताती है? वास्तविक संख्या, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स वास्तविक चीज़ क्या है? यहाँ पे वास्तविक चीज़ है हमारी मूलधन। क्या है? मूलधन है, क्योंकि सब कुछ तो मूलधन पे ही हो रहा है, मूलधन पे ही ब्याज लग रहा है, तभी तो वो मिश्र धन बन रहा है। तो यानी वास्तविक संख्या क्या है हमारे यहाँ पे? मूलधन है, यानी कि 6 क्या है हमारा? मूलधन है, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, 6 का 7 हो रहा है, क्या हो रहा है? 6 का 7 बन रहा है। जब फ्रेंड्स आपको मैंने क्या बताया था कि जब मूलधन के ऊपर ब्याज लगेगा तो ही तो वो मिश्र धन बनेगा, यानी कि 6 का 7 बन गया। तो 6 पे क्या जुड़ा है? 6 पे 1 जुड़ा है, तभी तो 7 जुड़ा है। अब फ्रेंड्स देखो, ये 6 पे 1 जुड़ा, 7 हुआ, तो फ्रेंड्स ये 1 क्या है मेरा? 1 जो है मेरा, ये है मेरा ब्याज। क्या है? मेरा ब्याज है, ठीक है। और 7 क्या है मेरा? मूलधन है, ठीक है, मूलधन है। अब देखो फ्रेंड्स, सब कुछ हमें मिल गया, मूलधन भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया, ठीक है, ब्याज मिल गया ना। 7 में जब आप 6 घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा, तो मेरा क्या आया? 1 आ गया ब्याज। और फॉर्मूला क्या होता है बताइए आपको? फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। ये सब आपको फॉर्मूला जो है ना एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये होता है हमारा मूलधन, जो कि फ्रेंड्स हम पीबी लिखते हैं, गुना दर, जो कि हम आर लिखते हैं रेट से, गुना समय, जो कि फ्रेंड्स हम टीबी लिखते हैं, बटे 100, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें दर निकालना है, ठीक है, दर निकालना है ना। तो दर को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, जब 100 इस तरफ जाएगा तो साधारण ब्याज से गुना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे दर निकालना है, यानी मुझे रेट निकालना है, और उसको हम आर से लिखते हैं। तो 100 जब इस तरफ जाएगा तो साधारण ब्याज से गुना होगा। फ्रेंड देखो, मैं आपको बस समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ यार, इतना कुछ नहीं लिखना आपको, आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऊपर ही। साधारण ब्याज गुना 100, क्योंकि 100 इस तरफ गया है, ठीक है, इस तरफ गया है, ठीक है, बटे मूलधन नीचे आ जाएगा, जिसको कि हम पी से लिखते हैं, मूलधन नीचे आ गया, जिसको कि हम पी से लिखते हैं, बटे समय, ठीक है, जिसको कि हम टी से लिखते हैं। अब फ्रेंड्स अब वैल्यू पुट कर दो यार, साधारण ब्याज कितना था यहाँ पे? 1 था, ठीक है, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, गुना 100 अपॉन कितना आया? मूलधन है, मूलधन कितना यहाँ पे फ्रेंड्स? नीचे वाला मूलधन होता है 6, गुना समय कितना था? 3 था, ठीक है। अब कितना आ गया फ्रेंड्स? ये आ गया 100/18, यहाँ पे लिख देता हूँ 100/18 आ गया, क्योंकि 100 ऊपर था, 6 को जब 3 से गुना करो कितना आएगा? 18 आएगा। अब 2 से काटो कितना आएगा? यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50/9 आ गया। डिवाइड करोगे कितना आएगा इसको? जब 50 को आप 9 से भाग दोगे कितना आएगा? 5, 5/9%। फ्रेंड्स ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊंगा, और ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स आप कोई भी फ्रेंड्स अच्छा एग्जाम दोगे ना फ्रेंड्स, हमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टाइप के, ठीक है। अब ध्यान सुनना फ्रेंड्स मेरी बात का। क्वेश्चन है, किसी राशि पर यानी मूलधन की बात कर रहा है ये, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, वो राशि बताओ। अब ध्यान सुनना, इस सवाल का मतलब क्या है, सवाल क्या बोलना चाह रहा है, सवाल की भाषा क्या है। हमसे पूछा गया है मूलधन, मूलधन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? कि कोई भी मूलधन है, ध्यान सुनना, उस पर 5% वार्षिक ब्याज लग रहा है, ठीक है, 3 साल, मतलब कुल मिला के 3 साल के जब लगा, उसके बाद फ्रेंड्स फिर 1 साल और बढ़ा लो, 4 साल के लिए लगा, उनके बीच में जो अंतर आ रहा है ना, मतलब देखो पहले लगा 3 साल में, देखो 1, 2, 3 साल में लगा, ठीक है, इस पे कोई ब्याज लगा, लगा ना, फिर फ्रेंड्स 1 साल के लिए और लगा दिया, कितना हो गया फ्रेंड्स? देखो 3 साल ही हो गया, फिर कहता है कि 4 साल, ठीक है, ये 4 साल हो गया है ना। अब इसके बीच में जो फ्रेंड्स अंतर आ रहा है ना 1 साल का, ठीक है, उस 1 साल में जो ब्याज का अंतर है वो 42 रुपये है, मतलब 1 साल जो बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसमें 42 रुपये का अंतर आ रहा है। अब ये क्वेश्चंस ना मैं आपको समझ करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो फ्रेंड्स,
साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल जो ब्याज लगता है ना वो बराबर लगता है। अगर मैं कहता हूँ कि ध्यान सुनना मेरी बात का, कि मैंने आपको 1,000 रुपये दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मैंने आपको 1,000 रुपये दिया और मैं कहता हूँ कि मैंने आपको 1,000 रुपये जो दिया है ना 5% दर से दिया है, और दिया कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, 5% पहले साल लगेगा, दूसरे साल भी 5% लगेगा, तीसरे साल भी 5% लगेगा, मतलब कुल कितना हो गया फ्रेंड्स, ये कुल हो गया 15, क्योंकि जब 5 + 5 + 5 और 15 आएगा, या फिर आप इस 5 को 3 से गुना कर लो, मतलब जो समय दे रखा है उससे गुना कर लो तो भी 15 ही आएगा आपका, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं कहता मैंने आपको 50,000 रुपये दिया, ठीक है, 50,000 रुपये दिया मैंने, मैंने आपको दिया है 5% दर से, और दिया कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल, साधारण ब्याज होता है उस पर हर साल बराबर ब्याज लगता है, ये आप लिख लो, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, साधारण ब्याज पर, इसे कोई कॉपी में लिख लो, साधारण ब्याज पर हर साल ब्याज बराबर लगता है, ठीक है, बराबर लगता है, ठीक है, बराबर लगता है, ये चीज़ मैंने आपको लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 रुपये है, 5 साल के, मतलब 5 साल के दिया है 5% पे, तो इसका मतलब मैंने क्या होता है कि पहले साल भी आपका 5% लगेगा, दूसरे साल भी 5% लगेगा, तीसरे साल भी 5% लगेगा, चौथे साल भी 5, पांचवें साल भी 5, मतलब कुल कितना प्रतिशत ब्याज लगा, 25% ब्याज लगा आपका, क्योंकि 5 + 5 + 5 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 25% आएगा, या फिर आप सीधे इन दोनों को गुना भी कर सकते हो ना तो भी 25 ही आएगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखो 5% को सिंपली गुना करो 3 से, 15% आएगा। मतलब मैंने समझाना क्या चाहा आपको कि सिंपली आपको क्या करना है, जो दर है उसको गुना कर देना है समय के साथ, उतना आपका ब्याज लग रहा होगा, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को इतनी बार देखो कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ध्यान देना, साधारण ब्याज की बात हो रही है ना यहाँ पे, साधारण ब्याज जिसको कि फ्रेंड्स हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, SI से लिखते हैं इसको, ठीक है, 5% दर से लग रहा है, ठीक है, और 3 साल के लिए लगेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सिंपली इसको आप गुना कर दो, या आप ये जो 5 है इसको 5 पहले साल लगेगा, 5 दूसरे साल लगेगा, और 5 तीसरे साल लगेगा, कितना आया, 15 आया, ठीक है, या आप इसको सिंपली 5% को 3 वर्षों से गुना कर दो, तो मैं क्या करूँगा, 3 × 5, ठीक है, मतलब साधारण ब्याज मैं निकाल रहा हूँ 3 साल का, कितने साल का, 3 साल का निकाल रहा हूँ, कितना आया, 3 × 5 किया मैंने, ठीक है, कितना आया, ये आ गया 15%, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 4 वर्ष के लिए भी लगेगा 5%, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साधारण ब्याज जो कि फ्रेंड्स मैं SI से भी लिखता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं उसको, हम SI से भी लिखते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है 4 साल की, ठीक है, 4 साल की बात हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, 4 को गुना करूँगा किससे, 5 से, कितना आया, 20% आया, मतलब 3 साल में 15% लगा है, 4 साल में 20% लगा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपये का अंतर है, तो मुझे 4 वर्ष में कितना मिला है, 20% मिला है। यहाँ पे लिखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ब्याज दर का अंतर, ठीक है, ब्याज दर का अंतर कितना है, 20% - 15%। सवाल ने यही तो कहा था कि 4 साल और 3 साल का जो अंतर है कितना है, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा 5% आ रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि जो आपका 5% है ना वो कितना है, 42 रुपये है, ये तो बोला इसने, जो अंतर है वो 42 रुपये का है, लेकिन मैंने प्रतिशत में कितना निकाला है, 5% निकाला है, बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो ध्यान देना मेरी बात का, मैंने पिछले सवाल में ही बताया था कि कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है, जो मूलधन है ये अपने आप में 100% होगा, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये चीज़ आप ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान रखो, 5% की वैल्यू निकली है 42 रुपये, 5% को मुझे मूलधन में बदलना है, क्योंकि हमसे राशि पूछी गई थी ना, राशि मतलब मूलधन पूछा गया था, तो मुझे 5% को 100% में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को जब मैं 20 से गुना करता हूँ, 5 को जब मैं 20 से गुना करता हूँ कितना आता है, 100% आता है, यानी कि मेरे पास मूलधन आ गया। अब मैंने 5%
मैंने इस तरफ 20 से गुना किया है तो मैं इस तरफ भी 20 से गुना करूंगा, चीज़ों को मैं बराबर करूंगा ना, तो 42 को जो मैं 20 से गुना करता हूँ फ्रेंड्स, ये आता है मेरे पास 840 रुपये। ठीक है, कितना है 840 रुपये, ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, बस फ्रेंड्स ये चीज़ समझने वाली थी इसमें। ठीक है, कि तीन को मैंने 5% से गुना किस लिए किया, क्योंकि जो ब्याज लगता है साधारण ब्याज में वो हर साल बराबर होता है। ठीक है, यानी पहले साल भी 5 लगेगा, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, कितना आ गया 15%। उसके बाद 4 साल के लिए पहले साल भी 5, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, चौथे साल भी 5, कितना आया 20% है मैंने यहाँ पर लिया। या फिर आप सिंपली क्या करो, समय को गुना कर दो ब्याज से, उतना ब्याज होगा। फिर सवाल हमें कहता है कि इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है, 42 रुपये का है। तो मैंने जब 20% और 15% अंतर निकाला, कितना निकाला मैंने, 5% निकाला, और सवाल कहता है कि 5% जो है वो 42 रुपये, आपका यहाँ पे लिखा हुआ देखो 42 रुपये का अंतर है। जब 5% की वैल्यू 42 आ गई है, अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे राशि यानी मूलधन। अब मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% बनाने के लिए मैंने 20 से गुना किया इस तरफ, तो मैं 20 से इस तरफ भी गुना करूंगा। जब 42 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा या गुना करूंगा, कितना आएगा 840 रुपये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मैं सब क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और सबसे आसान तरीका था, इससे आसान तरीका नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, जितना भी मैथ क्यों ना वीक हो आपको, आप इस वीडियो को फ्रेंड 2 से 3 बार देखो, ताकि फिर सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी कॉपी में आप नोट भी कर लो। और ऐसे ही मैं आपके लिए 25 वीडियोस और लेकर आने वाला हूँ साधारण ब्याज की, मतलब जिसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक भी जरूर करना है फ्रेंड्स चैनल को, इस वीडियो को। ठीक है, आपने लाइक जरूर करना है। और फ्रेंड्स मेरा एक जीके का चैनल भी है, वो है फ्रेंड्स रवि स्टडी आई क्यू जी के, यहाँ पे लिख देता हूँ रवि स्टडी आई क्यू जी के, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे जीके बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।